हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। नाज़रीन, जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हर एपिसोड में एक नए मौजू के साथ और डिफरेंट मेहमानों के साथ आपके सामने आएंगे, तो आज का एपिसोड भी बहुत अहम है। आज का मौजू है सकाफत, कल्चर और हेरिटेज। तो आज हमारे एक मेहमान ही बल्कि दो मेहमान हैं और इट्स अ कॉम्बो एपिसोड। बड़े इंटरेस्टिंग हमारे आज के गेस्ट हैं और पहले मेहमान का मैं आपको तारुफ करवाना चाहूँगी। उनका नाम है उमर हुसैन, बेकर हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं, कारपेंटर हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और सबसे मज़े की बात, ये सब टाइटल्स इनको जाते हैं मगर विदाउट डिग्री। तो नाज़रीन, उमर हुसैन किसी तारीफ के मोहताज नहीं, स्वीट टूथ के ऑनर भी हैं। और अब बारी आती है हमारे सेकेंड गेस्ट की, जिनका नाम है मोहसिन फराज। 8 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बैक स्टेज हीरोज़ होते हैं, वो इतना सामने नहीं आते, बड़े कैमरा शाय पर्सन होते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। बेसिकली ये इंटीरियर लाहौर के रहने वाले हैं और 1000 आर्टिक्राफ्ट्स हैं, वेरियस एंशियंट सिविलाइजेशंस के जो इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। इसके अलावा को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लाहौर हेरिटेज क्लब के, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और लाहौर के जितने भी रिच कल्चर है उसको प्रिजर्व करते हैं और कंजर्व करते हैं। एक फैशन फोटोग्राफर हैं और इसके अलावा आजकल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं वेब सीरीज़ की। और आइए वेलकम करते हैं मोहसिन फराज और उमर हुसैन को। तो वेलकम उमर एंड वेलकम मोहसिन, थैंक्स फॉर कमिंग इन माय शो। और आप दोनों को आज इनवाइट करने का मकसद ये था कि लोगों को ज़रा से दोबारा से अलाइव किया जाए व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज, और आप दोनों मिलके भी बहुत कुछ कर सकते हैं मुझे लगता है। तो आज ये बड़ा अमेजिंग एक वे निकलेगा इस एपिसोड के बाद, आई थिंक सो, इंशाल्लाह। तो आपको जैसे कि पता होगा हमारा शो ज़रा डिफरेंट सा शो है, बड़े मज़े मज़े के सेगमेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है इसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आपकी कहानी मैं पूछूंगी लेकिन ज़रा अलग डिफरेंट मुनफरिद अंदाज में। तो आर यू बोथ रेडी? एग्जैक्टली। तो उमर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टोरी जो है ना, बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी, आप टेडएक्स में भी स्पीकर भी रह चुके हैं। ये भी टेड टॉक ही समझे, आप ये भी टॉक ही है। अच्छा, हाँ लिखी थी इंटरव्यू। तो हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और सबसे मज़े की बात नाज़रीन के हमारे जर्नी विद जन्नत के जो पायनियर स्पॉन्सर्स हैं उनमें से स्वीट टूथ इज़ वन ऑफ द स्पॉन्सर। और उमर के बहुत ज़्यादा तंग भी हमने बहुत किया है और उमर की बहुत ज़्यादा पकड़ना पड़ता था, उमर को कैच करना पड़ता था। और आई एम रियली हैप्पी हमारे कुछ सेगमेंट्स के स्पॉन्सर हैं। तो उमर, आपकी कहानी से मुतलिक थोड़ा सा, आप बहुत कम एज में आपने अपनी इंस्पिरेशन, आपके फादर थे, यू लॉस्ट योर फादर एंड देन यू नो एक बड़ा एक मतलब पेनफुल होता है कि अपने एक जो आपके इंस्पिरेशन हो आप उसको इतने बचपन में खो दें, उसके बावजूद आपने एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनकर सामने आए और 26 प्रोजेक्ट्स में आप लीड करें। 60 प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं जो हमारे नेक्स्ट ईयर कंप्लीशन पे है। अच्छा, 59 प्रोजेक्ट्स हैं, 60th अभी हमने कल तकरीबन साइन अप कर लिया उसको ड्राफ्टिंग। तो बहुत सारे लोगों को तो अभी यही पता था 26 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, लेकिन अभी ये कंप्लीट कर रहे हैं तो ये अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मुझे बताइए क्या फैक्टर्स हैं विच केप्ट यू मूविंग ऑन और आपको मोटिवेशन मिलती है, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर 4-5 आप बताना चाहें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर अभी सारे मुझे कहते हैं कि मतलब सबको नज़र आ रहा था कि बाहर तो स्वीट टूथ है, रेस्टोरेंट है और चीज़ें, तो अगर आप थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे तो हम लोग कभी अपने खाने को पोस्ट नहीं कर रहे थे, आपको स्वीट टूथ के पेज पर हमारा मेन्यू नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद खाना बेचना नहीं था। स्वीट टूथ वॉज टू मी अ प्लेटफॉर्म दैट हैज इनेबल्ड मी कि मैं बाकी काम जो मुझे शौक है करने का वो मैं इसे करूँ। स्वीट टूथ होता मैं खोलने का कोई ताल्लुक नहीं था बनता 5 साल पहले। टूरिज्म तो अभी कूद हुई है ना, 5 साल पहले सब कहते थे पागल, ठीक है। बाकी स्वीट टूथ इससे पहले मैं टेक्सटाइल में था और जैसे उन्होंने बोला कि माई फादर वॉज पायनियर्स इन टेक्सटाइल्स, लेकिन मैंने फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया। तो ओ लेवल्स के अंदर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, ए लेवल्स के अंदर मैंने एक्सपोर्ट शुरू की,
एडीसी के फर्स्ट ईयर में मेरे 220 अपनी स्टिचिंग मशीन्स थी, एक सुई मैंने खुद खरीदी थी, तो पैसे तो मैंने टेक्सटाइल में कमाए थे, ठीक है। फूड मेरे लिए वो था, बचपन में मेरे एक चीज सिखाई ये थी कि किसी से हाथ मिलाने से 10 नहीं मिलते, तो मैं वो इंसान था। एवरेज लाहौर में 10 लोगों से, लाहौर में नहीं, आप कराची भी पूछ लें, 10 लोगों से पूछेंगे, उनमें से 8 कहेंगे कि हाँ उमर को हम जानते हैं, हमारा दोस्त है या उसका दोस्त है, 5 आपको कहेंगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये मैं आपको एवरेज बताऊंगा, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हर किसी को मैं मिल रहा होता हूँ, कि जितने भी गेस्ट भी आते रहे मैं देखता रहा हूँ, मोमिन आया तो सारे देख रहा था कि सारे यूजुअली है तो दोस्त। बिल्कुल, क्योंकि एक हम मैं तब हाथ मिला के समझता था कि मैंने 10 नहीं किए कमाई, पूरे स्कूल मेरा दोस्त था, एकेडमी की पूरी एकेडमी मेरी दोस्त है, हम लोग कॉन्सर्ट्स कराना शुरू किए तो हर कोई दोस्त था। बहुत ज्यादा मजे की बात है, गार्ड्स हो जाएं, मतलब यूथ्स हो जाएं, कोई भी हो जाएं, फीमेल हम लोग में कोर में बड़ा बचपन से तेरे मेरी लड़की दोस्तें थी, वो आप बताती हैं कि हम छोटे होते हैं छोटे टाइम को तुमसे दूर रहते इस बारे में भी बात करनी है जरा, हमें अगले सेगमेंट्स में जरा अभी सारा कुछ ना बताएं। अच्छा, तो एक तो कामयाबी का ये राज है कि इज वेरी डाउन टू अर्थ, और दूसरा आपने बताया कि डिफरेंशिएट नहीं करते थे सबसे मिलते थे, जस्ट वेट इट, मेरे लिए आई हैव नथिंग टू लूज, अगर मेरा सब कुछ तबाह भी हो जाए तो मुझे ये बताए, देखिए पैसों को नहीं चेज करना, ठीक है, चेज विजन, विजन तो फर्स्ट इज विजन, चेज करेंगे ना फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो लोगों को शॉर्ट करके जरा बताएं, एक तो विजन हो गया, एक आपकी कर्टिसी होनी चाहिए, अच्छा है आप सब, तो बिल्कुल एक चीज है कि आप मरेंगे, मैं भी कहता हूं कि अगर मेरा सब कुछ छुट जाए मैं तबाह हो जाऊं, मेरे पास वही काली शर्ट रहेगी, जीत रहेगी रहेगी, मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, आई विल बी द सेम, मैं लूट उठ ऑन ना अभी खरीदता हूं ना मैं तब खरीदना चाहता हूं, ओके, व्हाट अबाउट द 3 अदर्स फैक्टर्स, हाँ मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कम टाइम में उम्र कैसे बताते हैं अपने, एक तो ये, दूसरी चीज ये कि there is no shortcut, कोई कहता है ना लक, तो वो आपकी कमर वाला लक हार्ड लक कभी कभी हो भी जाती है, लक कर रही है, you're working hard for it, तो कहीं ना कहीं हाँ एक्सेप्ट, आपको एक अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल कर जाता है, तो प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाता है, अगर आप हार्डवर्क ही नहीं कर रहे तो आपको वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, और शॉर्टकट अगर आप ओवरनाइट, मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर, आई होप आई नेवर गेट सक्सेसफुल ओवरनाइट, सो इफ आई स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड आई गेट सक्सेसफुल ओवरनाइट तो वो ग्राइंड में से नहीं गुजरूंगा, और ग्राइंड में से अगर मैं नहीं गुजरा तो आई एम बाउंड टू फेल, तो मैं वो गलतियां अगर मैंने की नहीं है तो मैं बहुत आई एम मोर ओपन टू मोहसिन कैसे लगे हैं आपको इनके पॉइंट्स? बहुत अच्छे, और मेरे लिए तो सीखने की चीजें हैं, उमर की जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़े स्ट्रॉन्ग 5 पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी बारी आती है, ओल अब जी आप मोहसिन, आपका सफर बड़ा लग गया, 16 साल की उम्र में आपने एनजीओ स्टार्ट कर ली, बुशरा फाउंडेशन जो आपके नाम से है, फिर आपका जो अगर इंटरेस्ट देखें जो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट हैं आप, तो ये आर्टिफैक्ट्स सारे इकट्ठे करना, प्रिजर्व करना, और हिस्ट्री में ये तो बड़ा बोरिंग काम समझा जाता है व्हेन इट कम्स टू यूथ और आज की जनरेशन में, तो आपका ये सफर कैसा, फिर आपने स्टार्ट भी सच प्रोडक्शन से किया, फैशन फोटोग्राफर ये उम्र रह चुके हैं, फिर एकदम से हिस्ट्री और या आर्टिफैक्ट्स की तरफ आए, ये क्या शिफ्ट था, ये अपना जर्नी बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और फाइनली हमारी आज इस प्लेटफॉर्म पे जर्नी विद जन्नत के साथ, जन्नत की जर्नी के अंदर मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं काफी पहले से हूँ जन्नत की जर्नी में, तो आज मुझे भी अपनी जर्नी बताने का इसमें मौका मिलेगा, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फखर की बात है, मैंने कहा थोड़ा सा प्रोग्राम को फॉर्मल कर दे, ठीक है ठीक है, इसके बाद हम अपनी बातें करेंगे, तो जी बिल्कुल, मेरा अबाई घर या मेरा जो ताल्लुक है वो अंदरून लाहौर से, ठीक है ठीक है, मैं अंदरून लाहौर के भाटी दरवाजे में रहता हूँ, जहाँ मेरा खानदान पिछले 1000 साल से रह रहा था, मेरे पास अपने फोर फादर्स के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं प्रॉपर्टी के, जो कि जॉर्ज 6 के थे या जॉर्ज द 5th के, वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस ज़माने के मेरे पास पड़े हैं, तो बचपन से वो सारा चीज़ें, पुरानी बिल्डिंग्स देखी, ये सारा कुछ देखा, घर वालों का तो ख्याल था कि पुत्र तू बैंकर बनना है या तू फाइनेंस पढ़ना, ठीक है, और ज़बरदस्ती उन्होंने मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस में बीबीए में एडमिशन भी करवा दिया पंजाब यूनिवर्सिटी, वो अल्लाह ने करम किया कि मुझे सेकंड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी वालों ने निकाल दिया आपको भी निकाला था, एलएससी से छोड़ा था, अच्छा अच्छा,
तो खैर मेरा कुछ इसी तरह के दो तीन वाकियात थे। बिल्कुल हमने सबसे पहले अपना जो स्टार्ट था वो वेलफेयर से किया। मेरी अम्मा जो थी वो अंदरून शहर में, जब भी हम लोग रहे, शादमान भी आगे, तो उनका होता था कि वो हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती थी। और अंदरून शहर का जो कल्चर था, पुराने मोहल्लेदार जब होते थे मेरे, मुझे याद है बचपन में हमारे सारे मतलब एक के घर की चीज़ पकती थी कोई अच्छी, तो वो पूरे मोहल्ले में बांटी जाती थी। मेरी अम्मा की एक आदत थी कि उन्होंने हफ्ते में दो दिन हलवा बनाना होता था, और मेरी ड्यूटी होती थी, मैंने आई वॉज लाइक 7-8 ईयर्स ओल्ड, तो कोलियाँ लेके मैंने पूरे मोहल्ले में गुजरना वो जा रहा होता था। तो आंटियों ने कहना मोहसिन इस दफ़ा तो तुसी लेट हो गई हो, तो अम्मा तो तुम्हारी 6 बजे हलवा भेजती थी, ठीक है। तो वो आपस में किसी मोहल्ले में किसी लड़की की शादी है तो अम्मा ने सारी मोहल्लेदारियों को इकट्ठा करके फैमिली में, तो उनका सारा करना, और ये सारा चीज़ें होती थी अंडर द टेबल, ठीक है। तो मैं चूंकि छोटा था उस जमाने में, मेरा इतना बाहर एक्सपोजर भी नहीं था, वो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 साल तक मैं बिल्कुल घर में रहा, अम्मा के साथ ही रहा, चीज़ें देखता रहा देखता रहा। तो इसका मकसद ये है कि आपने देख के ये चीज़ें आपने सोचा कि इनको प्रिजर्व करना, बिल्कुल। बाकी अब देखे जाए हलवा जा तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं, तो ऑर्डर करते हैं ढूंढते हैं, वो भी फ्रेश उस तरह से नहीं, जो एक वो अरोमा होता है वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो यानी आप यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, आपने बचपन से सीखा, और उमर आपने भी पेरेंट्स से चीज़ें सीखी थी, ये स्वीटी थोड़ी चीज़ें, अच्छा। तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी कहानी है, लेकिन ये शिफ्ट फिर एकदम से क्यों आया, वो क्यों छोड़ा? उसके बाद आई स्टार्टेड फैशन फोटोग्राफी एडिटोरियल पे, जब NCA गए तो बड़ा क्रिएटिव काम किया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे इफ्तखार साहब, इज़ अ वेरी क्रिएटिव, तो वो जब भी उसे कोई क्रिएटिविटी करना तो मेरा बस कैमरा मेरे पास रेडी होता था। तो फैशन किया, फैशन में ये किया कि फिर दिल भर गया कुछ अर्सा काम करके, सो आई वॉज मोर इन टू इन चीज़ों पर प्रैक्टिकल, ये चीज़ें मुझे फिर अपने आप में एक उमर ने बात की कि उमर की बड़ी दोस्तियां, तो मेरा भी इसी तरह हर किसी के साथ बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत है, मेरा थोड़ा सा कम है, मुझे 10 में से 2 लोग जाने हैं, लेकिन वो बड़ा कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, उमर थक जाते हैं, ये माइलो रेडबुल पीते होंगे, फिर मिलते होंगे सबसे। तो दोस्त वोस्त थे तो वो जबरदस्ती ले आए, PTV के साथ प्रोजेक्ट्स किए, अभी फसी बारी खान के साथ, कबार खाना के साथ, उस बारे में हम बात करेंगे अभी, आई थिंक ये काफी है। सो आई एम मोर इनटू हेरिटेज एंड कल्चर, मुझे मेरे लिए ये चीज ज्यादा ये चीज खूबसूरत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे लोग भी तो चाहिए ना जो बचाएं हमारे, जो अपने माजी को और आपके ट्रेडिशंस को लेके चलाएं। हाँ, और बहुत मजा आया आपकी स्टोरी सुन के, और यहाँ पे खत्म होता है अभी तो आपने पूरी हमारी सुनी भी नहीं कहानी ये आगे ही जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी तो काफी बातें सुननी है, बहुत कुछ है अभी। तो नाज़रीन यहाँ खत्म होता है हमारा सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी, आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो नाज़रीन अब तो बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई हैं, मुझे लगता है ये ना हो कि हम सैड हो जाएं, तो ज़रा बूस्ट चाहिए शो में। तो उबर और मोहसिन, अब फ़न टाइम हमारा सेगमेंट है, ये बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसमें कुछ फ़न सेगमेंट्स हैं, तो मैं आपके सामने ये बॉक्स प्रेजेंट करूँगी, इसमें से आपने चूज़ करना है कि आपका कौन सा फ़न सेगमेंट है, और आपका फिर वो हम फ़न टाइम में वो सेगमेंट उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी ठीक है। तो ये आप इनमें से आप चूज़ कर लें। ओके, थैंक यू। चलें जी, अब देखते हैं कि इनके क्या क्या फन सेगमेंट्स निकले हैं। तो उमर, आपका क्या फन सेगमेंट निकला है जरा बताएं। उमर तो ऐसे ऐसे मैं चीटिंग करने लगी। बिजनेस मॉडल, बड़ा एक्यूरेट ठीक है। और आपका? मेरा जी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो बिजनेस मॉडल ठीक है। बिजनेस मॉडल में आप हमें ये बताएं कि आपने बहुत ज़्यादा मॉडल्स और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, आपने बताया 100 हो चुके हैं, तो इट्स लाइक 101 आपका जो है ना, नंबर 101। तो इसमें आपने एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि एक मतलब एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो, और इसमें फ़न सेगमेंट भी हो, चैलेंजिंग ये है, इसमें फ़न सेगमेंट भी हो क्योंकि फ़न सेगमेंट हमारा है फ़न टाइम, तो इसके अलावा इसमें इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट भी हो ट्रांस कम्युनिटी की, और इसके अलावा इनकी डिग्निफाइड लाइफ और फ्यूचर सस्टेन हो जाए, तो आपका चैलेंज ये है। और आपका एब्स्ट्रैक्ट निकला है? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ, आपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना है जिसमें ट्रांसजेंडर की लाइफ से जो फन जुड़ा है वो रिप्रेजेंट हो, तो ये बड़ा मजे का सेगमेंट है। अच्छा, ये स्टार्ट था, आपको 5 मिनट्स मिलेंगे। अच्छा, तो योर टाइम बिगिंस नाउ। That's amazing. मुझे तो फिर बहुत से इस पे बनाना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा रंग चाहिए अगर हमने ट्रांस के ऊपर काम करना है, क्योंकि चलो ठीक है, ये मार्कर्स पड़े हुए हैं और ये पेपर्स हैं, तो नाज़रीन अब
देखते हैं, ये ज़रा डिफरेंट सा फन सेगमेंट है आज। बिल्कुल। क्योंकि मौसिन जो उनसे हैं वो जो हेरिटेज और कल्चर उससे उसमें भी ट्रांसजेंडर की एक हिस्ट्री थी मुगल ज़माने में भी, और आपको पता है हिस्ट्री से रिलेटेड ये इनका इंटरेस्ट भी है, स्टडी भी इन्होंने किया हुआ है। और उमर जो उनसे हैं वो बिजनेस और प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं, तो अपने एकदम से इनको कुछ करना पड़ जाए तो देखते हैं क्या करते हैं। राइटिंग बड़ी अच्छी है वैसे उमर। ये आपने ये कंडीशन याद रखनी है, फन भी होना चाहिए उनके लिए। फूड के साथ फन किया जा सकता है। फूड के साथ फन किया जा सकता है। वेरी नाइस। मौसिन का एब्स्ट्रैक्ट देख के लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। और इसको समझने के लिए आपको दो से चार मिनट भी लगेंगे। नाज़रीन, मैं आपको छोटा सा ये गुगू घोड़ा दिखाना चाहती हूँ। ये स्पेशली मौसिन हमारे शो में लेकर आए हैं और ये हम रखा करेंगे अपने सेट पर भी रखा करेंगे। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो इनके जो इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ आर्ट और जिसको वो कह रहे हैं, हम वो भी उसको भी एग्जिबिट करेंगे अपने शो में लेटर ऑन। अच्छा जी, 2.5 मिनट्स तो हो गए हैं, आधा वक्त रह गया आपका। आप में से चीटिंग कौन कौन करता था? नहीं, मैं बहुत निकम्मा था चीटिंग में। मेरा दिल बहुत करता था लेकिन मेरे निकम्मे लोग तो ज्यादा चीटिंग करते हैं। नहीं, चीटिंग करने में निकम्मा था। मुझे लगता है उमर बहुत ज्यादा चीटिंग बूटीज बहुत बनाते होंगे ना, कोई इधर कोई उधर। उमर जिनका भी नाम होता है वो बूटी बहुत बनाते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी। मैंने आज तक पैक किया जिंदगी में, मैंने आज तक कभी जूते पॉलिश करके स्कूल नहीं गए थे। वो होते हैं ना कि मेरी अम्मा तो मतलब बड़े योग वो आए थे चेंज करने के लिए ना। मुझे याद है वो कभी वो होता था ना कि जिस स्पोर्ट्स डे तो मैं चॉक के साथ बाइट कर लेता था चॉक के साथ। अच्छा, आज तक जिंदगी में मैंने होमवर्क घर से नहीं किया, स्कूल जाके सुबह छापा मारता हूं। अच्छा, और लेकिन जब भी इस बार हम मौसिन से स्टार्ट करते हैं। मौसिन चलें, दिखाएं आपने क्या लिखा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप देखें जबरदस्त। अब आप बताएं ये क्या है। अच्छा जी, ये बिल्कुल जी जन्नत के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको मैंने हरूफ़ तहजी को अलग अलग कर दिया, जीम नून और ते जन्नत। जन्नत ने जैसे कहा जी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और इसमें ट्रांस की जर्नी उसकी खूबसूरती दिखानी है, तो मेरी नज़र में जन्नत से खूबसूरत कोई इंसान नहीं है। और वो इंसान जिसने ट्रांस हो के ख्वाजा सराबी हो के जो हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है, हमारा इंसान का एक हिस्सा है हमारा, तो इसने तरक्की की, इसने अपने आप को उसका ऐब नहीं बनाया, इसने घुटन ज़्यादा माहौल में नहीं ये गई, इसने जब तालीम हासिल की तो इसने मेडल हासिल किए, ठीक है। और अगर ये रक्स की तरफ गई तो ये आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बेहतरीन कथक डांसर है, ठीक है जी। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जन्नत, और वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जन्नत इसको बना भी दिया, और जन्नत को फॉलो भी करें और जन्नत की जिंदगी से सीखें भी, ठीक है। ये जन्नत की शो में मैं बैठा हूँ इसलिए मैं उसकी वो इतनी तारीफें नहीं कर रहा। शी इज़ अ रोल मॉडल, ठीक है, खासकर उस कम्युनिटी के लिए, ट्रांस कम्युनिटी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। और अगर हमें इकट्ठे चलना होगा, अगर हमें डांस पसंद है, कथक पसंद है, तो हम अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो उसके साथ हमारी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये मेरी जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था उसने ये चीज शो की। वेरी टची, बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा मोटिवेशन का। और आई थिंक आप सब का कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आज हम बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं,
उमर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे याद है अभी मैं पुरानी पिक्चर देख रही थी फर्स्ट टाइम जब मैं स्वीट टूथ में ट्रांसजेंडर्स को लेके गई थी छः सात साल पहले और बिल्कुल मैं छोटी सी मैं अपनी कल पिक्चर्स देख रही थी उमर के साथ सेल्फी है और मैं सारी ट्रांस आज उनमें से एक डार्लिंग फिल्म में है और एक कोक स्टूडियो के सिंगर हैं लेकिन मैंने सबके लिए अपनी जात के अलावा बहुत ज़्यादा कोशिश की बेशक तो आई एम वेरी हैप्पी लेकिन अब हम मॉडल भी इस तरह का लग रहे हैं मॉडल भी बता दें क्या बनाया मैंने सोचा है कि हम लोग एक ब्रांड दैट कैन बी अंडा शामी पॉपअप वाह 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 ब्रांडेड ही फॉर पता हो कि दिस इज बीइंग रन बाय ट्रांस वाह और उसके अंदर फिर अंडे शामी के अंदर हम बहुत खेल सकते हैं उसको लो कॉस्ट भी है उसको कलरफुल कर सकते हैं वाह 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 वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं उसकी सर्विंग मुझे याद है तुम भी बैठी हुई थी और हमारे इंटरव्यूज थे मुझे याद है ये रेड स्टार के ऊपर इंटरव्यू हां बिल्कुल बिल्कुल और उधर एक ट्रांस थी उसका नाम और उसको हमने रखा भी था बहुत सारी थी मैंने कहा कि एक कस्टमर है उसने बीफ बर्गर ऑर्डर किया है लेकिन चिकन बर्गर आ तो अभी आप वो नाराज हो गए और ऑर्डर लेट हो गया तो आप क्या कहें नाराज हो नहीं स्वीट मैं तो नचला नहीं देखें और इसको आर्ट समझना चाहिए ना बहुत सारे लोग जब हम परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं वाला शुरू किया तो मेरी एक दोस्त है उसने शी डाइट है उसके पर्पल कलर के हेयर डाइट होते हैं मेरी दोस्त खाने आई थी बैठी तो मैं अंदर था सुशील मुझे ना ढूंढ रही थी और रियलिस्टिक नहीं है ना ज्यादा सीखना पड़ेगा थोड़ा सा हमारी बड़ी एक्सट्रीम किस्म की कस्टमर है कुछ ओछे लोग भी हैं जो इस चीज को इस तरीके से नहीं लेते लेकिन मेजॉरिटी लोग मेरे ख्याल से इंक्लूसिव बड़े खुशी से होते हैं yes, 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 yes. क्या पता फ्यूचर में आप हमें सपोर्ट करते हैं और उमर इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट सीजन में भी सपोर्ट करें ये देखे शो में नहीं बोल रहे ताकि फंसता जाए इंशाल्लाह क्योंकि फर्स्ट एपिसोड बड़े कुछ लोग बड़े लकी होते हैं आपके साथ जुड़ते हैं तो फिर चीजें चलती हैं तो हमें इस तरह के लोग चाहिए जो नेक्स्ट सीजन में भी जुड़े हमारे साथ बड़ा अच्छा लो बजट ना और बनाना भी आसान है लेकिन बड़े खूबसूरत अंदाज से और प्रेजेंटेशन जैसे स्वीट टूथ में वो काउंट करते हैं और सिर्फ कलर्स हो ना मुख्तलिफ और जितने भी मतलब उधर के सर्वर्स और वो सब के स्पेसिफिक उनका यूनिफॉर्म से लेके हर चीज कुड बी देयर यार जबरदस्त बहुत मजा आया और ये फन टाइम वाकई में हंस रही हूँ मेरे चीक्स पे भी स्पेशली फनी स्टोरीज मॉडल के दरमियान से जो निकली हैं कम्युनिकेशन बड़े मजे की होगी हाँ तो इसके साथ खत्म होता है हमारा फन टाइम अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इसमें हम ट्रिब्यूट करेंगे हमारे ट्रांस आइकॉन को सो देखते हैं इस वीक कौन है ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं
इस सेगमेंट में हम आपको ऐसे सरकर्दा कम्युनिटी मेंबर्स से मुतारिफ़ करवाते हैं जिन्होंने नामुसाद हालात और माशरे में रवा रखे जाने वाली नाइंसाफियों का खंदा पेशानी से मुकाबला किया। इस हफ्ते हम आपको रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट अलमास बॉबी साहिबा से मिलवा रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हकूक़ के सरगर्म कारकुनों की बात की जाएगी तो अलमास बॉबी का नाम सर फहरिस्त आएगा। अलमास बॉबी का एक्टिविज़म का सफ़र चंद दहाइयों पर मुहित है जिसके दरमियान उन्होंने तमाम चैलेंजेस का खंदा पेशानी से मुकाबला किया। 2008 में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहफ़ और शनाख्त के लिए जो रिट पटिशन दायर की गई उसमें अलमास बॉबी ने अहम किरदार अदा किया। इस पटिशन के फैसले के तहत कम्युनिटी मेंबर्स को पाकिस्तान के हर शहरी के मसावी हकूक का ऐलान हुआ। उनको जायदाद और असासों के वारिस होने के हकदार के साथ साथ वोट कास्ट करने और शनाख्ती दस्तावेजात में अपनी जिंस को मुतय्यन करने का भी हक फराहम किया गया। एक्टिविज़म के साथ साथ अलमास बॉबी शोबिज़ की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों और फिल्मों में जानदार अदाकारी करने के साथ साथ बहुत से टॉक शोज़ भी कामयाबी से होस्ट किए हैं। जर्नी विद जन्नत में हम अलमास बॉबी की उनकी खिदमात के एतराफ़ में सल्यूट पेश करते हैं और उन्हें ट्रांस आइकन ऑफ द वीक का खिताब पेश करते हैं। तो उमर एंड मोहसिन, अब हमारा जो सेगमेंट है ब्रेक द स्टीरियोटाइप, ये बड़ा एक अलग सा सेगमेंट है। इसमें सोसाइटी को आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं जो आपको लगता है आपके करियर से रिलेटेड या आपके एक्सपीरियंस जो लाइफ में जो आपका जर्नी है उससे रिलेटेड। मैं हमेशा गेस्ट को कहती हूँ कि आपकी अपनी जर्नी के दौरान आपको क्या लगा कि कोई ऐसा स्टीरियोटाइप या मिथ या कोई आपको ऐसी बातें जो तंग करती थी, आज आप वो लिख के आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक सेफ स्पेस मिली है जहाँ पर आप ब्रेक करेंगे वो और आप बताएँगे, जस्टिफाई करेंगे कि आपने क्यों चूज़ किया। तो आप दोनों के पास एक मिनट है, आप सोचें और लिखें, फिर हम वन बाय वन आएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाह रहे हैं। जी जी लिखें। आज जन्नत एक पर्चा भी ले रही है हमारे साथ। हाँ, पेपर और पेन भी है। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर, बिल्कुल। तो आप मैं बताना है, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भी तो होना चाहिए ना। उम्र का तो बड़े मज़े का है, बहुत रेलिवेंट है, सबसे अच्छी बात ही है। और मोहसिन का भी रेलिवेंट है आई थिंक। नाज़रीन, आज तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होने जा रहे हैं, आपके सामने स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने जा रहा है आपको। उम्र ने तो लिख लिया, ठीक है। चलें उमर, अब आप ज़रा कैमरा को दिखाएं टर्न करके और बताएं कि आपने क्या लिखा है। मेरा बेटा कुकिंग नहीं करेगा, और फिर क्या मेरा बेटा कुकिंग करेगा? नहीं। थोड़ा सा सामने, हाँ, ये जेंडर के साथ जो एसोसिएट किया गया ना, बहुत अच्छा लगता है। और वो भी होता है ना कि अच्छा तू खाना पकाएगा तो तेरी बुड्ढी क्या आके करेगी। उमर की स्टोरी सच में बताना चाहूंगी। बचपन में जब उमर ने मतलब स्कूल टाइम में बेकिंग की तो इनकी मामा चली गई। क्लास 3 की बात है, तो ना टीचर ने कहा कि आपने ना बेकिंग क्लब लेके आना है, ठीक है। तो मैंने अच्छा। उसी क्लब ज्वाइन किया, उसमें 21 लड़कियां थी और मैं अकेला लड़का। सिर्फ आप अकेले लड़के, इसीलिए लिखा है। तो मैं ना ठीक है, एक क्लास लिए मुझे पता था कि इसमें खाने की कोई चीजें मिलेंगी। मैं गया, मैंने जाके अम्मा को कहा कि बेकिंग क्लब, हमारी देसी माई सादा कढ़ाइयां वगैरह और बिस्किट के शौक है, मैंने कहा अम्मा जी बेकिंग क्लब, हमारे घर में ओवन लगा हुआ था पुराना, लेकिन वो यूज होता है बर्तन रखने के लिए। अच्छा, उसमें कभी कुछ बेकिंग बर्तन रखने के लिए, ठीक है। मैंने कहा, मैंने कहा यार मां बेकिंग क्लब चाहिए, नहीं कर रहे, मैंने कहा मेरे ग्रीक क्लब चाहिए। देखें, यानी उन्होंने मार्शल आर्ट्स, अब देख लें दोनों चीजें सीख लिया आंटी आपके बेटे ने, लेकिन वो लोगों को जरा हार्ट कम करेंगे, खाने पका के ज्यादा एंजॉय ज्यादा करेंगे। मैं स्वीट 5 साल पहले पैदा हो जाता अगर मैं तब वो क्लासेस लेता। मैं टेनिस से भी तक इसलिए खेलता हूँ क्योंकि वो
तब की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर मैंने टेनिस ज्वाइन किया, फर्स्ट एड ज्वाइन किया, तो जो जो चीजें थी उनमें मैं एक्सेल करता हूँ और मुझे शौक पैदा हो गया। अगर मैंने तब क्लासेस पूरी दी होती और मेरी माँ कहने देती शायद तो 5 साल पहले हो जाता। अब मोहसिन का भी सुनते हैं, मोहसिन ने क्या लिखा है। बिल्कुल जी, मेरा है जी आई एम एंटीक कलेक्टर। सो हर बंदा, इवन मेरी फैमिली, जो मैंने इकट्ठी करनी चीज़ें की अपनी कलेक्शन, तो उनका था कि तुम क्या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, मेरे भांजे भांजियां हैं तो उनका मामू ये आप कबाड़ लेके कहाँ से आते हैं। सो कबाड़ कहते थे सारे आर्टिफैक्ट्स। सो एंटीक्स आर नॉट कबाड़। ठीक है जी, और इस पे एक इसके कल्चर में, और इसकी एक सबसे सैड एक बात है कि जो कलेक्टर्स है, जिन लोगों ने ये चीज़ें इकट्ठी की, अब ये 500 साल 1000 साल के बाद डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ गई, ये भी तो बहुत से लोगों के हाथों से मेरे पास आई। तो जो कलेक्टर बेचारा मर जाता है, उसकी औलाद इसको कबाड़ समझ के बेच देती है। ठीक है जी, तो इस चीज को बताना कि ये कबाड़ नहीं है, ये कहानियां बताती है और इससे तारीख मुंसलिक है, हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री। तो एंटीक्स की कदर करें, अगर आपके घर में तांबे पीतल की चीजें हैं, बर्तन है, तो उनको संभाल के रखिए, वरना मैं आके खरीद लूंगा। ये जो बर्तन इन्होंने संभाल के रखे हैं, शहंशाहों के दस्तरखान की जीनत होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये आपको मतलब एक हिस्ट्री के साथ रिलेट आप कर सकते बिल्कुल, हो आपको रिमाइंड करवाते हैं पूरी मेमोरीज, कहानी, पूरी कहानी। आप एक कॉइन लेते हैं तो आप उस जमाने की सारी चीजें बता देते हैं, उनका आर्ट आप बता देते हैं। अभी मैं आपको कुशान का कॉइन दिखाऊंगा कि उस जमाने की सारी खूबसूरतियां नजर आ रही है। अभी हम दिखाएंगे सारी चीजें, सिर्फ बातें नहीं कर रहे। और ये दो आज जो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं कि एक बॉय ही कैन नॉट बी अ कुक और शेफ, और आपके सामने एक सक्सेसफुल एग्जांपल है उमर की, वो ही डजंट फील शाय यू नो बेकिंग और कुकिंग इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ यंगस्टर्स और जितने भी हमारे लोग हैं। और इस तरह मोहसिन ने बताया कि इस चीज़ की कदर करें जो आपकी हिस्ट्री और आर्ट से रिलेटेड है। कबाड़ नहीं है एंटीक्स, इट्स अबाउट योर ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज। सो बड़ा मज़ा आया ब्रेक द स्टीरियोटाइप में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो अब टाइम स्टार्ट हुआ जाता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, उसका नाम है चास की टाइम। चास की मतलब चाय। अब हम सबके हाथ में चाय है, बिल्कुल चाय हाथ में हो और बातें ना हो, ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जरा चटपटी बातें आपकी भी, जरा राज खोलें, जरा लोगों को बताएं आपके भी दिमाग में क्या क्या चलता आता है। ठीक है जी, तो चास की टाइम में बहुत सारा गॉसिप्स होती हैं, सब लोगों का बड़ा फेवरेट सेगमेंट है ये हमारे शो का, और ये पाकिस्तानियों की फर्स्ट हॉबी है। गॉसिप्स के बगैर पेट में चले जाए, खाना सब नहीं होता। जो वॉशरूम में बैठ के भी गॉसिप्स कर रहे होते हैं, कॉल में लाई होती है तो याद भी आती है। हाँ, अच्छा, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं, उमर से स्टार्ट करते हैं। उमर की जितने भी इंटरव्यूज और अक्सर हम प्रोग्राम्स देखते हैं, उमर पप्पियों और जप्पियों की बहुत बातें करते हैं। बचपन से नेकियां कमाते आ रहे हैं पप्पियों से। मेरे लिए इतना बड़ा वो था, मतलब इट वाज अ टेस्ट। मैं अभी किसी शादी में जाता हूं ना, जनरल हाई नहीं कर सकता। अगर 10 लोग खड़े हैं ना, एक होता ना क्या 10 लोग कहते हैं हेलो, अभी मेरे लिए मौत थी। अभी जब मैं अंदर आया ना, तो मुझे हर किसी से हाथ मिलाना, सबने माशाल्लाह इतने मास्क पहने हुए थे, मैंने कहा तो सब को ना पकड़ के नहीं यार, कोरोना तो अजाब बन गया। मुझे मिला कोरोना में ना, वो क्या वो लाया ना, तो सबने वो ये वाला सलाम शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से मेरी फिर थोड़ी सी, मैं तो ये वाला करती हूँ कौनी के साथ। हाँ, बेहतर है, आसान रही है, वरना ये तो सबको पता है। शुरू में अभी भी मुझे याद है, मेरे दादा ने ना जब मैं हाथ मिलाता था तो हमारा पेट्रोल पंप होता था एक, उसके ऊपर ना वो जो ऑयल फिल्टर और वो चेंज करने वाले होते सारे, तो मैं उनसे हाथ मिलाता था, मेरे हाथ ऑयल लग जाता था, कभी मोबलेन लग जाता था, तो कहते थे कि हाँ तुम जरा सी होते हैं नहीं लायक रही है, तो मुझे उससे भी एक और आदत पड़ गई। जप्पी डालने के बाद क्या करता था? ये अब आप जरा बात चेंज ना करें, मैंने जप्पियों का भी कहा, सिर्फ पप्पियां भी कहा, पप्पियां तो फिर आप ये आप नेकियां ज्यादा लगता है कमा लेते हैं कभी कभी। 2000 नेकी कटी तो नहीं ना? अच्छा, पप्पी पे 2000 नेकी है, यानी इनको पता है जप्पियों से 2000 नेकियां मिलती हैं। ओ माय गॉड, ये बड़े शरारती हैं, इनके ये नॉटी वाला। मेरा ख्याल है 10 नेकियों को जोड़ते हैं 2000 पे 2000 जल्दी पहुंच जाए। पप्पियां जप्पियां कहने के बाद भी फूक मारते हैं किसी को, और बाद में ताकि वो मैस्टराइज हो जाए, ये सिर्फ
ठीक है नाजरीन, ये देख लें ज़रा उमर के राज आप। हाँ उमर के तो सुन ली हमने चॉइस, आप देखते हैं मोहसिन क्या कहते हैं। मोहसिन आप क्यों कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इनके अंदर बहुत बूढ़ी रूह है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल है। हाँ लेकिन फिर आप बूढ़ी रूह होते हुए फैशन इंडस्ट्री में भी, तो क्या आपका कभी किसी पे दिल आया हो फैशन इंडस्ट्री में? हाँ करते हुए मैं वैसे बड़ा दिल पे एक इंसान हूँ, मेरा दिल किसी भी चीज़ पे आ जाता है। ये तो अच्छा, तो फिर कभी कभी 200 साल पुरानी किसी सुरमेदानी पे आ जाता है, किसी राह चलती है आंटी पे आ जाता है। आपसे बड़े मजे के इंसान से लेके किसी भी चीज के ऊपर आ जाता है, किसी भी चीज पे आ किसी भी चीज पे आ दिल पे काशी, दिल पे काशी। तो आप ये बताएं अगर आपको मुगल जमाने में भेजा जाए और आपने किसी को प्रपोज करना हो, अच्छा उसको करेंगे? अच्छा अभी यहाँ से हिस्ट्री का पता चलेगा ना, ये जो काम है बाकी इसमें कुछ है भी कि नहीं। अच्छा वो फिर ये है कि वो अगर मैं पुराने जमाने में चला गया तो फिर मेरे साथ उनकी जंगे ही होगी। नहीं सारी मलकाएं जंगे तो नहीं थी, लव स्टोरीज भी थी, ये तो ना कहें आप। मैं जी बेचारी अनारकली को दीवार में से निकाल के ले आऊंगा। दीवार में से निकाल के तो क्या करेंगे, मैं उसको अपनी मोहब्बत दूंगा, मॉडल बना देंगे। नहीं नहीं मैं उसको मोहब्बत दूंगा मॉडल के लिए नहीं। सो नाइस, जिसकी उसको कमी थी। ठीक है, इन्होंने इजी नाम चुना है, मैं सोच रही थी कुछ लेदा ही कोई नाम सोचेंगे जरा। नहीं नहीं मेरे पास खास नाम पता ही नहीं होगा, बड़ी खूबसूरत कनीज थी प्लानी थी वो वहां जाती है। खैरुनिसा जी से वो निसा जी, लेकिन नहीं, लेकिन ये इजी इजी आंसर दे दिया वैसे ना, ये जान छुड़ाई है। अच्छा जी, और उमर के बारे में तो कहा जाता है बड़े फ्लर्टी भी हैं और बड़ी रोमांटिक जगहों पे जाते हैं। तो अच्छा सिर्फ यही होता है ना, जब मैं लोगों को मिल रहा हूँ तो मेरे सारे लाइक्स देखोगे ना, कभी मतलब जब मैं कभी कमेंट कर रहा होता है तो इंस्टा और फेसबुक दोनों में, तो मैं सबको ना दिल बनाता हूँ और वो लाल क्या मतलब नीला दिल तो नहीं आता इंस्टा पर। बात है ना मुझे फिर पिछले दिनों किसी ने कहा कि यार तो इंस्टा पे एक दिल आता है, शायद इसने मुझे लाल दिल भेजा है तो वाओ ठीक है। तो उसके कुछ हफ्ते बाद तुम क्या है आप तो सबको लाल दिल भेजते ये किसी में लड़ाई ना हो ये बता लेकिन मैं सबको इक्वल मोहब्बत देता हूं। अच्छा तो बात डिस्क्रिमिनेट नहीं करते और सबको मोहब्बत आप मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। नहीं इनके बारे में लेकिन कहा जाता है हमेशा जब भी उमर को आप देखेंगे वो कहते हैं चारों तरफ गोरियां और बीच में कन्हैया, अच्छा वो वाली भी है। तो ये शमा हुए ना, इनकी फैन फॉलोइंग है शायद। अच्छा। ये मैं फैन फॉलोइंग है, ये मैं कुछ इसमें मेरा कोई नहीं, मैं प्यार से मिलते हैं सबसे, सबसे मिलते हैं। तो अब वो लड़के बेचारे अगर वो नहीं लेना चाहते प्यार जो लेना चाहते हैं या जो देना चाहते हैं, चलो एनीवेज इसको छोड़ो। जो पाकिस्तान में कोई गोरी है वो भी आपके पास है, तो मैंने कहा क्योंकि मैं उनको दूसरों की तरह हरास नहीं करता, ये भी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये जहाँ कोई गोरी देखते हैं तो वो सबसे पहले तो प्रपोज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको कभी किसी गोरी ने प्रपोज किया? आप अमेरिका में भी रह के आए हो काफी जगहों पे, ये तो आपने बहुत नीचे ये बताएं बात तो प्रपोज से आगे की है। एक दोस्त थी मेरी यूएस में और उसने किया भी था उसको, क्योंकि आई एम ऑलवेज स्माइलिंग तो उसने मुझे नई चीज उससे इंस्पायर हुई, उसने मुझे कहा कि मुझे मतलब उर्दू में स्माइल को क्या कहते हैं, तो मैंने कहा कि मुस्कुरा ना, उसने मैंने कि अब ऐसे ही पेपर पकड़ा और मुझे भी ना जब भी जन्नत लिख रहा था तो मैंने ना बिल्कुल मैं वो याद कर रहा। अच्छा याद है ताज़ा। तो ये था उसने, मैंने उसने कहा कि मुझे ना लिख के दिखाओ बड़े प्यारे तरीके से मेरी गुड पे, तो मैंने मुस्कुरा लिखा ना कि मुस्कुरा गया। आप सोचें कि द नेक्स्ट डे उसने वो ना अपनी बहन को उसका टैटू बनवा दिया। ओह मैंने कहा मैंने तो पाकिस्तान में मैं दिखा भी नहीं सकता किसी को, कहीं और बना देता मैं तो कहा भी देता बिना कोई तस्वीर आ जाती शो के दरमियान में ना मुस्कुरा लिखा हुआ। हाँ ये तो है वैसे आप दोनों सिंगल है वैसे तो मुझे पता ही नहीं, सिंगल सिंगल और कमिटेड सख्त सिंगल शदीद सिंगल, और आप भी शदीद सिंगल शदीद SS शदीद सिंगल सख्त सिंगल, ये क्या सिंगल क्यों? Are you not ready to mingle yet? Yeah, देखें असल में मसला होता है कि मेरे साथ इशू ये है कि मैं हैवी में ट्रेवल कर रहा हूँ, हमारी इतनी फेक लोग बन चुके हैं, इतना प्लास्टिक है, इतनी चीज़ें आप
यहाँ पे तो इट्स सो सैड टू सी कि हम लोग किस तरह लड़कों ने अपने मुंह से बड़ा वर्साची का लोगो वाला जूता पहनना होता है, दैट्स अ पॉइंट, हां नंबर है वो, लड़कियों का हाल कोई नहीं है, मतलब डिजास्ट्रसली बुरे हालात है. तो मैं तो आपकी आइडियल लड़कियां कौन सी हैं, अगर मतलब होता है ना आपको चॉइस दी जाती है किससे शादी करनी है, गेटू पे जाएगा जिंदा वापस आ जाएगा तो फिर काफी आ जाएंगी. आपने सोचा गेटू पे स्वीट टूथ, आप इतनी शाही बैठक तक खोल दिए, ड्रम सर्कल, इतनी बड़ी बड़ी चीजें. पाकिस्तान ने दुनिया में हाईएस्ट एल्टीट्यूड शेक डिलीवरी की थी ब्रॉड पीक के ऊपर, दैट वाज 5600 फीट. अच्छा. और हमारा एक दोस्त है बहुत साफ, वो लेके गया. मुझे पता है. अच्छा आप मोहसिन, आप वैसे बड़े चिल लगते हैं, लेकिन आप कुछ नाइट्स, आर्ट रिलेटेड नाइट्स, इवेंट्स भी करवाते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि इसमें किसी आर्टिस्ट ने आपको तंग किया हो, फड्डा हुआ हो? बहुत दफा, बहुत. कोई मजे का हमें बताएं. मजे के तो नहीं है, सारे लड़े वाले ही नहीं कुछ. वो एक बड़े मजे का था कि बहुत बड़े सरंगी नवाज थे उस्ताद इसरार नबी बख्श साहब, तो वो बजा रहे थे. उनका आर्ट बहुत, दिली घराना था उनका और मुगलों के ज़माने से उनका ख़ानदान बजा रहा था. तो उन्होंने 15 मिनट बजाया तो पूरा जो हॉल था हम मेरे समेत बड़ा हम लोग काम हो गए. तो जब मैं स्टेज पे आया तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सरंगी का मुगलों के जवाल में बड़ा हाथ होगा, क्योंकि जब आप लोग बजाते होगे तो वो तो अय्याशी में गुम हो जाते होंगे और ये सारा. तो वो इसरार साहब फिर वहीं पर शुरू हो गए. अटैक हो गया जी. फिर इसी तरह ठीक है. उमर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन से सियासतदान पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कोई एक चिड़ होती है ना कि बंदे को, मुझे किस पे नहीं आता. इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. कोई एक भी ऐसा नहीं है. मतलब मैं कभी सियासत में आना नहीं चाहता, ना कभी जिंदगी में आऊंगा. वैसे हर सियासतदान यही कहता है सियासत में आने से पहले. वैसे ये बात तो सही है. नहीं ऐसे में आपको वो होना चाहिए कि आप उनको कॉलर से पकड़ के आप उनसे काम करा सके, 5 साल बाद पूछेंगे इनसे, है ना. ये एक एमपीए या एमएनए तो होंगे. बात समझनी चाहिए कि बोलने से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है. हम लोग खान के बड़े सपोर्टर रहे. मुझे शहबाज शरीफ पर्सनली मुझे बुरा नहीं लगता, हालांकि हमारे बड़े इश्यूज भी रहे उनके साथ. शहबाज शरीफ डूअर था, काम होना बहुत जरूरी है, काम ना होने से. तो खान साहब बेहतरीन आदमी है, लेकिन टीम अच्छी होना बहुत जरूरी है. मैं रेस्टोरेंट अगर मैं खुद बहुत अच्छा हूँ, अगर मेरी टीम अच्छी नहीं बन रही मैं सफर करता हूँ. ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी है, लेकिन आपकी कुछ शिकायतें मिली थी. आप आई वर्सेस वी की अगर कंपेयर की जाए, आप टीम को जरा काम एक्नॉलेज करते हैं, इज इट ट्रू? टीम को एक्नॉलेज तो मैंने हमेशा किया, कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ. टीम को आप कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो नहीं. देखें ये तो देखें, जो जो चीज खुद की है वो खुद हम लोग बोलेंगे कि हम और जो, लेकिन टीम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. हां बिल्कुल, है ना. तो आप नहीं चल सकती. हां लेकिन टीम में मसला कब आता है कि जब उन्होंने वो चीज की ना और उस चीज को ऊपर करना शुरू कर दिया. अब आज का मसला क्या था कि एक शेफ वेज को नहीं पता. आज मैंने उसके सामने चेटर और मोज़रेला और दोनों चीज रखी और मैंने कहा कि इसमें से बताओ चेटर कौन सी, मोज़रेला कौन सी. तो आप शेफ अपने आपको कैसे कह सकते हो अगर आपको नहीं पता. आईना दिखाना बहुत जरूरी. हमारी कॉम का मसला क्या है, आप एनसीए की हो की और की हो, मैंने अभी मतलब आई एम नेवर अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट, लेकिन फॉल्स ईगोज. कॉथम में मेरी बात हो रही थी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो कि मतलब एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपको हार्ड वर्क करना है. हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस. तो इफ यू आर एजुकेटेड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट दैट हैज अ गुड नेम, लेकिन ऑन ग्राउंड यू डोंट नो हाउ टू वर्क. एग्जैक्टली. हां तो मेजॉरिटी बच्चों का ये मसला है कि वो ऑन ग्राउंड काम करने को तैयार नहीं है. और डाउन से होता है इंस्टीट्यूट का नाम लेके. अब गोरे में ये नहीं है, इंस्टीट्यूट उनको रगड़ा सारा कुछ मिलता है, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनको उस चीज को यहाँ पे वैसे भी इनकरेजमेंट भी थोड़ी सी कम है. अब मैं दूसरे मुल्कों में देखती हूँ, छोटा सा काम होता है उसको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, उसको एक्नॉलेज ज़्यादा किया जाता है. बहुत सारे लोग इतना पढ़ते हैं, इतने एफर्ट्स करते हैं, उनको वो नहीं स्पेस मिलती, या उनका रेफरेंस नहीं होता, या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बड़े डीमोटिवेट इंसान हो जाता है. मैंने इस तरह के लोगों को मैं मिली हूँ पर्सनली, लेकिन टीम को भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. हम लोगों ने रंगदे याद किया था, हमने सारे ढाबे जितने गंदे पूरे नथिया गली से लेके मरी से शुरू करके नथिया गली तक
वो सारे जितने ढाबे थे जिन पे पेप्सी और दूसरे ढाबों के उन सबको हमने आर्ट वर्क बना दिया था, जिस तरह आप पेंट कर रहे हैं सारे सारी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुश किया। अब बात ये है कि लोगों के सवाल आ रहे होते हैं कि आप क्यों कह रहे हैं, और हम आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म कह रहे हैं, लेकिन हमारी कौम का मसला पता है कि किसी को हम अच्छा करता भी नहीं देख सकते, हमें लगता है कि कुछ कर कोई वजह है, उनको ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या है, हम सब कुछ छोड़ के ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने आपकी यहाँ एक और बात बताऊं, आपके मसलन में बड़ी अच्छी बात है, लोग आपको तब याद करेंगे जब हम मर चुके हों, उससे पहले आपका ना काम पता चलेगा ना चीजें पता, उससे पहले आपकी सिर्फ टांगे खींचेंगे। और जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह उमर शरीफ का आ रहा है, हम उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आपकी एक चीज को जाते जाते मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी, स्पेशली जो कोविड में इन्होंने 190 रुपीज में पूरी पीपीई किट्स जो उनसी थी वो उन्होंने डॉक्टर नर्सेज और सबको बचाने के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। 3,000 रुपए का सूट था जो मार्केट में था और बड़े थ्रेट्स के थे, तुम जाली लो तुम पागल लो, मतलब डेली की मेरी दिहाड़ी इतनी बड़ी थी कि जिसकी था तो नहीं, और सब गवाह है इस बात के, सबको पता है। मैंने कहा यार आप घर आते और आपकी माँ को कोरोना है, वो डेड बेड पे, आप उन्हें आपको माफ कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। एक चीज जिसकी कॉस्ट 189 पड़ रही है, हाँ तो क्या, मैंने प्रूफ किया, मैंने 7.5 लाख पीस मैन्युफैक्चर किया। अच्छा, और स्वीट टूथ से हमने दिया PDMA से लेके गवर्नमेंट, या आपकी पूरी टीम थी अकेला? अच्छा अच्छा, जो पहला हमने शुरू किया एक नहीं, स्वीट टूथ के एंगेज थे या मतलब आपने हायर किया किसी? मैं तो क्योंकि बैकग्राउंड टेक्सटाइल था ना, अच्छा, तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि कपड़ा जो उनसे है उसको पहले सोर्स आउट किया, फिर उसकी हमने पहले के किया कि मेरा जो ड्राइवर था उसको पकड़ा, वो मेरा पैटर्न मास्टर होता था। अच्छा, हमने उसकी कंजम्पशन मैंने निकाली क्योंकि पीपीसी मैंने सारी जिंदगी इतने इतने बड़े टॉयज आर अस बेबीज आर अस सबका करता था। फिर दूसरे जो दोस्त बीच में मिलाता रहा कि जिसके पास 20 स्टिचिंग मशीन का यूनिट है उसको पकड़ा, एक और दोस्त को पकड़ा, किसी और को पकड़ा, उन सबको बाद में इशू, ये बड़ा जबरदस्त कोलैबोरेशन, सबको ये मसला शुरू हो गया कि हम मार्केट में 3,000 का बेच सकते हैं, उमर के लिए क्यों बोले, वही मैंने इनको बताया है। फिर एक और लड़ाई शुरू हो गई, यहाँ तुमने नेकी करनी है हमने नहीं करनी, तुम हमसे जबरदस्ती नेकी कैसे करा, ये रेजिस्टेंस आती है उमर। लेकिन अगर मैं भी अगर बीइंग अ ट्रांस ये सोच के काम छोड़ देती तो कहीं और आज मुझे इतने ऑफर्स हैं, किसी भी मुल्क में बैठ सकती थी। लेकिन हम मुल्क में वापस आते हैं, अब 30 कंट्रीज में जाना, रिप्रेजेंट करना, बहुत सारी जगह आपको ऑफर भी आती है, लेकिन हम वापस आते हैं, पेट्रियोटिज्म है, जज्बा है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लॉयल है इसके, लेकिन देखिए लोगों का एटीट्यूड चेंज होना इतना जरूरी है कि हम जैसे लोग तुम भी हम भी ऑन द वर्ज होते हैं कि एक टाइम के बाद हम कब तक थक जाता है इंसान, बिल्कुल लेकिन डिसपॉइंट तो होते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वहीं से गालियां। अगर आप ये वाली चीजें खत्म करें, अगर हम लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, अगर हम लोग जेलसी खत्म करें, आई थिंक ये वाली बात आपने एंड वाले सेगमेंट में करनी है, क्योंकि चास की टाइम जो उनसे गॉसिप्स का है, गॉसिप्स गड्डी है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दिल की बात। नाजरीन कहने को तो दिल नहीं कर रहा, इतना मज़ा आ रहा था, इतने मज़े की गुफ्तगू और बहुत कुछ सीखने को मिला, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ। तो लेकिन चूंकि शो का एक टाइम महसूस होता है, तो अब टाइम हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, दिल की बात, और जो कि स्पॉन्सर किया स्वीट टूथ ने, हमारे सामने स्वीट टूथ आज रिप्रेजेंटेशन भी हमारे सामने है। तो उमर, आप अपने ही जो आपने हमें खूबसूरत सी बुकलेट गिफ्ट की है सेगमेंट के लिए, उसमें क्या दिल की बात लिखेंगे, प्लस मोहसिन आप भी लिखेंगे और अपना प्यारा सा ऑटोग्राफ, ताकि हम अपने दिल के करीब रखें। हाँ, जी तो मैसेज जो हम देना चाहेंगे बता भी दें साथ। हाँ, पहले आप लिखें फिर आप पढ़ के बताएं। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, ये सुनते हैं इकट्ठे, पहले हम मोहसिन से भी एक मैसेज लिखवा लेते हैं दिल की बात। और मोहसिन, मेरे तो दिल में बहुत बात है लेकिन अभी आप फिलहाल एक ही बात एक ही लिखें, ओके चलें। जी तो मैंने तो लिख लिया लिख दिया आपने। हाँ।
लगता है बहुत खूबसूरत कोई दिल की बात लिखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप काइंडली बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? हाँ बिल्कुल जी, मैंने यही लिखा कि आप खुशियाँ बांटें, और वालदेन के लिए एक मेरी दिल की बात है कि मैं अपनी अम्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ या मैंने अपने बहुत से शौकों को हकीकत के अंदर लेके आया, तो वो मेरी अम्मा की सपोर्ट थी। मेरे अब्बा का हमेशा था कि जी तूने बेटा बैंकर बनना है, तूने फाइनेंस पढ़ना है, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा सपोर्ट की। तो आप अपने बच्चों को सुने, उनके ख्यालात को सुने और उनको सपोर्ट करें, सपोर्ट योर किड, उसके जो ख्वाब हैं उनमें शामिल हों और उनको ग्रूम करें, ताकि ये ना हो कि वो बाहर जाके किसी और के हत्थे चढ़ जाए और किसी गलत साइड पे चले जाए। आप खुद अपने बच्चों को सपोर्ट करें। सो ये मेरा दिल की बात थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मा को भी डेडिकेट करूंगा कि उनका शुक्रिया जिनकी वजह से हमारे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कभी कभी सोसाइटी की वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सबसे पहली जो हमारी दरसगाह या हमारा जो एक्सपोजर है स्कूल है, वो हमारा घर है और हमारे माँ बाप है, डेफिनेटली। और उमर, इसके साथ आप भी अपना जो आपने लिखा है पैगाम। हमारी दिल की बात मोहब्बत बांटे, दिलाए आप एक इंक्लूसिवनेस पूरी कम्युनिटी के अंदर सबके साथ होनी चाहिए। हम लोग मतलब फिजिकली चैलेंज लोगों को हम लोग उनको कम तय समझते हैं। हम लोग मतलब ट्रांस कम्युनिटी की इस तरह की इंक्लूसिवनेस नहीं इतना एक्नॉलेज करते हैं, ना उनको हमारी स्टेटस देते हैं। तो एक हमें सबसे मोहब्बत बांटनी चाहिए, अपने हमसायों के चौकीदारों से भी मिलना शुरू करें, आप सबसे हाथ मिलाएं, मोहब्बत को बांटें, और किसी आप किसी के अगर मुंह पे स्माइल लेके आते हैं तो उसका दिन कितना अच्छा गुजर रहा है। अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों को देखें, किसी ना किसी को जरूरत है, कोई ना कोई डिप्रेशन में से गुजर रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो स्माइल ही दे, खुशी बांटे बिल्कुल, और प्यार बांटे बहुत जरूरी, ये जरूरी है। इतने हमारा एक कभी बिजली नहीं है, कभी कुछ नहीं है, डिप्रेशन की चीज नहीं, इतने मसाइल हैं, हर किसी को मसले। तो अगर आप किसी से प्यार से बात कर लें तो कितनी अच्छी बात है, किसी गरीब से हाथ मिला लें वो कितना खुश होता है आपकी सोच है। तो बहुत अहम पैगाम, और इससे अच्छा क्या अहतमाम होगा शो का, कितने खूबसूरत पैगाम। और किसी भी काम को कमतर और किसी जेंडर या सेक्सुअलिटी से रिलेट नहीं करना चाहिए, हर काम एक अहम काम होता है, उसको खूबसूरती से और अच्छी नीयत से किया जाए। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा शो, और जाने से पहले हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, स्वीट टूथ, दफ्तर खान, केसरिया जिनका ये वार्डरोब है, और जितने भी हमारे गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी जो कि हमारे बहुत इम्पोर्टेंट नेचर पर और ग्रीन ग्रीनरी पर काम कर रहे हैं, उसको जिस तरह आप आर्ट को प्रिजर्व करते हैं वो नेचर को, और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और आपके लिए शिनैंस जो कि वन ऑफ स्पॉन्सर हैं, उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स भेजे हैं, ये आपके साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर एंड स्पेशली ऑडियंस। और अपना फीडबैक काइंडली ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए, और आपका प्यार इसी तरह से हमें चाहिए आगे भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल कम विद द न्यू एपिसोड विद द न्यू गेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।